जब कोरोना की कहर चल रहे हैं, चुनाव में जब हार गए हैं, उसके तुरंत बाद सीबीआई को इतना सक्रिय होना जरूर ये सवाल पैदा करेगा। जरूर यह समझता हूं, मानता भी हूं कि सुबह की सरकार के साथ केंद्र की सरकार को अच्छा तालमेल रहना चाहिए, अच्छा तालुकत रहना चाहिए। तानातानी करने में किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर केंद्र सुबह से सुबह केंद्र से अगर तानातानी करे, अगर झगड़ा करते रहे, तो लोगों को सेवा कब पहुंचाएंगे? और अब जब सीबीआई की अरेस्ट की बात आप करते हैं, लोगों के मन में यह सवाल जरूर है कि अचानक चुनाव में हारने का बाद कहां से सीबीआई आ गए। क्योंकि ये नारद की जो मामला है, ये मामला नया कोई मामला नहीं, बहुत पुराने मामला है, बहुत साल पुराने मामला है, 2016 साल से चलते आ रहे हैं। हमारे पार्टी के नेताओं ने इस ये जांच कराने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में मांग भी किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह केस दर्ज आ गई थी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को जिम्मेवारी सौंपा गया। तो सीबीआई छानबीन करे, तफ्तीश करे, इसमें हमारे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों के मन में यह शंका है समय की देखते हुए कि ये क्या चुनाव हारने की बात, ये राजनीतिक बदला की भावने से क्या ये हो रहे हैं, ये क्या चुनावी प्रतिहिंसा की स्वरूप देख रहे हैं? क्योंकि समय जब कोरोना की कहर चल रहे हैं, चुनाव में जब हार गए हैं, उसके तुरंत बाद सीबीआई को इतना सक्रिय होना जरूर ये सवाल पैदा करेगा।